उस वक्त से हम वहाँ पर इमाम, खतीब, जुमा और ईदैन के हैं। इसके लिए हमको कोई दलील, काफ़ी अरसा का वक्त है, ये मस्जिद की कमेटी जो थी उसी ने हमें तय किया था। आप किसी से पूछिएगा कि हावड़ा चार मीनार मस्जिद की जो मेन बुनियाद और इसको जो इसमें जो तामीरी काम और जो भी खिदमत अंजाम देने में सर फहरिस्त कौन है, तो आपको हाजी हमीदुल्ला साहब मरूम और मुनाजिर हुसैन साहब का ही नाम मिलेगा। इसके अलावा ऐसी तो कुर्बानी हमारे साथियों ने बहुत दी है, बुनियादी जो है ये आपको गिने चुने। मुफ्ती वलीउल्लाह साहब इन्हीं जुमर बयान करें, खुतबा दें, जुमर नमाज़ पढ़ान सुताई नए दून ईदानी नमाज़ पढ़ान इसलिए अक्सरियत को पता है कि वहाँ जुमा और ईदैन और वगैरह की नमाज़ हम पढ़ाते हैं। फिर भी अगर किसी को इमाम साहब के बोलने के बावजूद भी अगर शक है, शुबा है, और अगर वो अपने नशेब में नहीं रहे तो वो जुमा में वहाँ तशरीफ़ ले आए, नशा सब उनका इंशाल्लाह खुल जाएगा और आँख से अपना देख लेंगे कि भाई हम नमाज कौन पढ़ाता है। बयान के साथ है हज़रत मौलाना शेख वलीउल्लाह रशीदी साहब। मौलाना साहब, कल आपका जो बयान हमारे चैनल में नशर हुआ था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा कि आप पर हमला हुआ, और उसके बाद जो मुखालिफ पक्ष का भी बयान सामने आया, उन्होंने चार मीनार मस्जिद, हावड़ा के चार मीनार मस्जिद के सामने जाकर बर्जस्ता ये दावा किया कि आप उस मस्जिद के इमाम है ही नहीं, और आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप इमाम होने का झूठा दावा कर रहे हैं और आप लोगों की हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आप उस मस्जिद के इमाम हैं? दरअसल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरअसल में बात यह है, ये मुद्दा को भटकाने की कोशिश है, उनके पास कोई चीज़ ऐसा मिल नहीं रहा है, उन्हें खलबली मची हुई है कि क्या एक मोटिव उठाए कि इसको बदनाम करें, क्योंकि बदनाम लोग चाहते हैं कि हम उनको हम दिखाए कि ये हमसे ज़्यादा बदनाम है, मकसद उनका ये यार कुछ नहीं है। बहरहाल उतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम सब जानती है, आवाम अंधी नहीं है। हम वहाँ 2019 से या 18-19 समझ लीजिए आप, उस वक्त से हम वहाँ पर इमाम, खतीब, जुमा और ईदैन के हैं। इसके लिए हमको कोई दलील, काफ़ी अरसा का वक्त है, ये मस्जिद की कमेटी जो थी उसी ने हमें तय किया था मशवरे से। और रही बात अभी जो एक साहब का हमने देखा वीडियो में, जो अपने आप को बता रहे कि इस मस्जिद में मेरा कुर्बानी रहा, ये आपके मनोवर ना क्या नाम है, उनका नाम भी जहन में नहीं आ रहा है, बहरहाल कह रहे हैं कि मस्जिद में मैंने, मुनाजिर भाई ने कर मैंने इस मस्जिद को तामीर किया है, इनको ऐसे ही रखा है, ये सब उनकी बेकार की बातें। मस्जिद को एक शख्स की वजह से तामीर नहीं हुआ, इसमें हमारे वालिद साहब मरहूम हाजी शेख हमीदुल्ला साहब जो थे उनकी बड़ी कुर्बानी है, और मुनाजिर हुसैन साहब जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, इनकी मेन आप पूरे पिलखाना शिवपुर टिकियापाड़ा जो करीब का इलाका, यहाँ तक के कलकत्ता शहर के भी जो बड़े बड़े लोग पहचान वाले हैं, आप किसी से पूछिएगा कि हावड़ा चार मीनार मस्जिद की जो मेन बुनियाद और इसको जो इसमें जो तामीरी काम और जो भी खिदमत अंजाम देने में सर फहरिस्त कौन है, तो आपको हाजी हमीदुल्ला साहब मरूम और मुनाजिर हुसैन साहब का ही नाम मिलेगा। इसके अलावा ऐसी तो कुर्बानी हमारे साथियों ने बहुत दी है, बुनियादी जो है ये आपको गिने चुने नाम में यही आपको मिलेंगे। जिसने कहा कि हमने बनाया है, ये किया है, ये सब बेकार की बातें आवाम जानती है, वो बोल रहे होंगे तो जो जो उनका वीडियो सुन रहा है वो खुद हंस रहा होगा। अब रही बात, उन्होंने इश्काल किया कि भाई आप इमाम नहीं है, और वहाँ के इमाम साहब को दिखाया, असल में हमारे इमाम साहब जो मस्जिद के हैं, ये जब से मस्जिद तामीर हुई तब से करीब उसी टाइम से लगभग ये इमाम वहाँ हमारे सामने बनाए गए। ये पाँच वक्त कि नमा इमाम के लिए ये जो हमारे इमाम साहब जो है उनका नाम मौलाना असदुल्ला है, ये वहाँ पर पांच वक्त, पहले ये मौजिन की हैसियत से थे, ये भी आप सुन लीजिए, इमाम कोई और थे, ये मौजिन की हैसियत से थे, वो इमाम साहब बीमार होते थे तो ये आपके लिए इमामत करते थे, नायब इमाम मौजिन दोनों ये काम करते थे। उसके बाद जब उनको एकदम माजूर हो गए तो उनको मस्जिद की कमेटी ने इनको बनाया पाँच वक्त का इमाम। अब ये लोग हैं जाहिल, इन्हें पता ही नहीं इमाम क्या होता है, नायब इमाम क्या होता है, और इमाम खतीब क्या होता है, इल्म की कमी है और कोई बात नहीं है, जहालत है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, इल्म उनको है नहीं इसके बारे में। अभी हम चाहते हैं कि आप मौलाना साहब जो है, उन्होंने सवाल मौलाना साहब से किया था मगर सही से, ये बेचारे बंगला जबान ही सही से बता नहीं सके, अधूरा उनका बयान आया, पूरा बयान ये खुद आपको अच्छे तरीके से खुद बताएंगे हमारे मौलाना साहब, इन्हीं से आप पूछे। जी मुफ्ती वलीउल्लाह साहब इन्हीं जुमर बयान करें, खुतबा दें, जुमर नमाज़ पढ़ान सुताई नए दून ईदानी नमाज़ पढ़ान दिन नमाज़ पढ़ान बकरीद रोजारी दे दुनिया दिन नमाज़ पढ़ान रमजान मासे जो कुरान जो हमारे मौका मल्ला खत्म है वो बयान रखें दुआ करें दुआ मजलिस करें वो इन जिम्मेदारी आगो और हमारे जिम्मेदारी हमें पाँच सप्ताह नमाज़ पढ़ाई पाँच सप्ताह हिसाब से इमाम आसी 14 साल हो गया हमारा चल रहा है। यहाँ जो जमात आती है वो अपना हिसाब लेकर पैसा खर्चा लेकर आती है, वो अपना खर्चा कर चली जाती है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, कोई नहीं इसमें कोई जो ये सब बोलते हैं जब पैसा क्या कमीशन खाते हैं सब झूठ
गलत बात है। कैसे आदमी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी है। और वो जो जो मैं जो वहाँ जो नमाज़ पढ़ाते हैं जो कुछ करते हैं फिर सबिल्ला उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, कुछ पैसा नहीं। क्यों? जिसका वाले सब जो है अभी जो सेक्रेटरी साहब है मुनाजिर हुसैन साहब, ये दोनों का बहुत कुर्बानी है। देखिए जब मस्जिद बन रही थी तो रात का रात दिन के दिन वहीं रात गुजारते थे, घर पे नहीं आते थे, खाना पीना तो हराम करके मस्जिद खड़ा किया। ये नहीं अब लाखों लाख पैसा भी जब से खर्चा किया देखे मस्जिद खड़ा किया, इन दोनों का बहुत कुर्बानी है भाई। तो हम लोग तो देखते हम तो आए हैं तो हमारे सामने वैसे मस्जिद उसका तो काम हो रहा चल रहा था, मीनार वगैरह हमारे सामने लगा है। ये लोग रात का रात वहाँ माने जाके आदमी को लेके सब मेहनत किए हैं, जान तोड़ के मेहनत किए, जान और माल देके लोग मेहनत किया मस्जिद के ऊपर, बहुत कुर्बानी है। जिस वजह से एक उनका लड़का भी रखा गया उनके मेरे ये भी मैंने आपने बेगर मैंने तनख्वाह के वहाँ मैंने मेहनत करते हैं नमाज़ पढ़ाते हैं। इमाम साहब ने आपके ताल्लुक से आपको सनद दे दिया कि आप वहाँ पर जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है तमाम हज़रात से गुजारिश है जो लोग पिलखाना टिकिया पड़ा, देखिए वो मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पर पिलखाना टिकिया पड़ा शिवपुर तमाम इलाके के मुसल्ली आते हैं, जो भी मुसाफिर ज़्यादातर मुसाफिर ही वहाँ आते हैं, तो इसलिए शरीयत को पता है कि वहाँ जुमा ईदैन और वगैरह की नमाज़ हम पढ़ाते हैं। फिर भी अगर किसी को इमाम साहब के बोलने के बावजूद भी अगर शक है शुबा है और अगर वो अपने नशे में नहीं रहे तो वो जुमा में वहाँ तशरीफ़ ले आए, नशा सब उनका इंशाल्लाह खुल जाएगा और आँख से अपना देख लेंगे कि भाई हम नमाज़ कौन पढ़ाता है, बयान कौन करता है। मैं यही कहना चाहता हूँ।